अच्छा हुनर दिखा दे आज। फिल्मों का हम सब पर काफी असर पड़ता है। बिल्कुल। और मैं अक्सर इस बात पे हैरान हो जाता हूँ कि जब भी फिल्मों में हॉस्पिटल का कोई सीन हो तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर रिश्तेदारों को यही अक्सर डायलॉग बोलता है कि इनको अब दवाओं को नहीं दुआओं की जरूरत है। सही बात। दुख इस बात का तो है सिद्धार्थ जी कि फिल्मों में दुआएं और दवा दोनों आसानी से मिल जाती है, पर असल जिंदगी में न जाने कितने ही लोग दवा के अभाव में लाइलाज बेमौत मारे जाते हैं। जी हाँ, पैसे का अभाव, लो स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन और उस पर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज और दवाओं का सही समय पे ना मिल पाना न जाने कितनी मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। अब देखिए ना, एक सर्वे के अनुसार डायरिया से हर साल हमारे देश में तकरीबन 2 मिलियन बच्चे जो 5 साल से भी कम उम्र के हैं मारे जाते हैं। पर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज डायरिया से निपटने के लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का घोल तो सबको मुहैया कराती है। प्रॉब्लम ORS की नहीं है सिद्धार्थ जी, समस्या है सुरक्षित पीने के पानी की जो ज्यादातर जगहों पर कॉन्टेमिनेटेड होता है। इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? गया ना सिद्धार्थ जी, और वो भी एक 13 साल की नन्ही सी बच्ची का, आरुषि नायर का। अरे वाह, क्या बात कर रही हैं आप रेणुका जी, आई एम इम्प्रेस्ड। एक छोटी सी बच्ची। हैरत और खुशी आपको तब ज्यादा होगी जब आप ये जानेंगे कि ये बच्ची आरुषि दुनिया की सबसे यंग पेटेंट होल्डर, जिसने न केवल इस बात पे ध्यान दिया बल्कि इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक बेहतरीन आविष्कार भी किया। क्या बात। हुनर पास आजा, हुनर दिखा दे आज।